नमस्कार दोस्तों, आज मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का सुपर फास्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसमें आप सब जो हैं देखेंगे कि सुपर फास्ट ट्रिक है क्या, है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं दुनिया का सुपर फास्ट ट्रिक क्या लेकर आया हूँ। ट्रिक टू है, दो ट्रिक है, दोनों ट्रिक में जो आसान लगे उसको आप लोग यूज कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए ये क्या है ट्रिक। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में दिए हैं अंडर रूट 66, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप तो जानते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, लेकिन 66 का क्या होता है इसका नहीं जानते। तो आइए हम ट्रिक नंबर वन से इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर वन में क्या है, एक्स और वाई, तो इसमें इसको दो भागों में बांटेंगे और बांटने के बाद एक्स वाई उसको वैल्यू रखेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 66 है, तो 66 को दो भाग में बांटेंगे तो वैसा भाग बांटेंगे कि जिसमें एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, एक परफेक्ट होना चाहिए स्क्वायर, और एक परफेक्ट नहीं भी होगा तो चलेगा। जैसे 66 है तो 66 के आसपास, 66 से कम वैसा कौन सा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 64 है, 64 है, इससे कम प्लस माइनस इसके अनुसार, इसका अनुसार प्लस माइनस। अब 64 से 66 से 64 कितना कम है, दो कम है, हो गया, दो भागों में इसको बांट दिए ना। दो भागों में बांटने के बाद क्या होता है कि अब लिखेंगे इस टर्म में, है ना, यहाँ पर x का रूट है तो यहाँ पर x इसको मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो यहाँ पर x हो गया प्लस माइनस, यहाँ पर y के जगह पर क्या है 2 है तो 2 लेंगे, और नीचे 2 है तो 2, और इंटू अंडर रूट क्या है एक्स है, यानी कि y के जगह पर 2, यहाँ पर x के जगह पर 64 ले लिया, और यहाँ पर x के जगह पर फिर 64 ले लिया, क्योंकि x का वैल्यू 64 यहाँ पर है, तो इसका वर्गमूल होता है 8 प्लस माइनस इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो 2 से 2 ही कट गया, बचा कितना 8 प्लस माइनस 1/8। अब देखिए यहाँ पर 66 से 64 कम है, चाहे 64 से 66 ज्यादा है तो इसको जोड़ेंगे, 64 से 66 ज्यादा है तो इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 1/8, यानी कि क्या होगा, एक इसमें इसको काटेंगे तो कितना होगा, एक में 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 1 8 2 0 2, यानी कि 1.2 में जाएगा 1.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.12, ये आंसर 8.12 आंसर इसका आया, ठीक है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लेकर चलते हैं तो क्या होता है, जैसे दूसरे ट्रिक, जैसे मैंने निकाल दिया 66 का स्क्वायर, तो 66 देखेंगे दूसरे ट्रिक के अनुसार। अब चलते हैं, एक ट्रिक तो आपने जान गया, दूसरे ट्रिक के बारे में चलते हैं, दोनों ट्रिक को एक एक करके बताते हैं क्या। तो दूसरा ट्रिक में क्या है कि 66 किसके बीच में है, किस स्क्वायर के बीच में है, तो 64 और 81 के बीच में 66 है, तो जो छोटा रहता है उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 का डबल कर देंगे, यहाँ 16 हो गया। अब करेंगे क्या कि इसमें 66 और 64 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, लिख दिया तो अब इसको काटेंगे कितना होगा 8, यानी कि 1/8 हो गया, यहाँ पर 8 जब कितना हो जाएगा, है ना, इसको काटेंगे तो 1.2 हो जाएगा, यानी कि 8.12 आंसर इसका, यानी कि 8.12। दोनों मेथड में कोई भी ट्रिक है, दोनों ट्रिक में कोई भी ट्रिक आप यूज करके इतना आंसर आप मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, मान लीजिए दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 147। अंडर 147 में इस ट्रिक के अनुसार पहले चलते हैं, तो इसको दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इससे कम है, प्लस माइनस कितना का अंतर है 3 का अंतर है, है ना, तो क्या है कि यहाँ पर 144 लिख देंगे, है ना, प्लस माइनस इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 वाई के जगह पर 3, है ना, इंटू 2 इंटू अंडर रूट 144। अब इसका वर्गमूल 12 होता है, प्लस माइनस 3/2, अंडर रूट इसका वर्गमूल 12, 4 3 12 हो गया,
तो 12 प्लस माइनस 1 बटा 4 दूनी के 8। अब ये देखो 147 में 144 में कितना करता है, 3 का है, ज्यादा कौन सा 147 और 147 ज्यादा है तो इसको जोड़ेंगे, कम रहता तो घटा दे, तो 12 प्लस 101 बटा 8, 12 प्लस इसको काटेंगे तो दशमलव 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर 12.12, ये आंसर करेक्ट आपका आया। ठीक है, करके देख लीजिए। नेक्स्ट, इसी को यदि दूसरा ट्रिक पे चलते हैं तो दूसरा ट्रिक में देखेंगे 147 किस स्क्वायर के बीच में है, तो ये 147 है 44, 144 और 169 के बीच में, तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है, तो 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 हो गया। अब यहाँ पर 12 लिखेंगे पॉइंट, अब 144 है यहाँ पर 147, तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो 12 लिख देंगे और उसके बाद 12 का डबल कितना होता है 24। अब इसमें और इसमें कितना का अंतर है, कितना का अंतर है 3 का अंतर है, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि 1/8, इसको भी काटेंगे तो कितना होगा 0.12, यानी कि 12.12, इसका भी आंसर आ गया इस तरह से। ठीक है, ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, बात बराबर है। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए और इसी के अनुसार आप इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, है कि नहीं, दोनों ट्रिक के अनुसार इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं क्या है। जैसे आपको निकालना हो तीन सौ दो दो बार आ गया, चलिए 200 कर देते हैं, 200 इसको ही निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 218, तो 218 किस स्क्वायर के बीच में है, दो सौ छप्पन और 289 के बीच में है, तो 256 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 256। ठीक है, 256 अब क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, कितना हो गया 32 हुआ। अब इसमें इसमें कितना अंतर है, घटाएंगे कितना है 2 2 22, अब इसको काटेंगे 11 हो गया, काटेंगे 16 हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पर 16 लिख देंगे और यहाँ पर 11 में 16 से डिवाइड करेंगे 0, 6 बार में जाएगा 4 हुआ, 1 हुआ 0, 8 बार में जाएगा, तो 2 अंक के बाद नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पर 6 और 8 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल 16.68, ये आंसर आपका होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट एक देख लेते हैं, मान के चलिए कि 47 है, तो 47 में क्या करेंगे, इसका इस तरह से लिख देंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। चलिए इस ट्रिक पे चलते हैं, कोई भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसमें और चाहे इसमें, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, दो भागों में बांटेंगे तो 47 है, तो 47 को दो भाग में बांटेंगे तो 47 से कम कौन ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन संख्या है 36 है, तो 36 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस कितना कम है 1 1 11 कम है, 11 कम है तो यहाँ पर लिख देंगे 36 प्लस माइनस क्या होता है, इसको x और इसको y मानेंगे, तो यहाँ पर 11 बटा में 2 गुना अंडर रूट 36, इसका 6 प्लस माइनस 11 बटा 2 गुना इसका हो जाएगा 6, अब 6 प्लस माइनस 11 बटा 12 हो गया, अब ज्यादा है इससे तो इसको जोड़ेंगे 6 प्लस 11 बटा 12, इसमें डिवाइड करेंगे 11 में 12 से तो कितना होगा 0.0, 108 हो जाएगा, 2 0 1 हुआ, यानी कि 6.91, इसका हो जाएगा 6.91, यानी कि 36 का होता है 6, तो 47 का 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ही, है कि नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप जो है बाकी जो इसमें बच रहा है उसको
सॉल्व करके लाइएगा, दिखाइएगा, नहीं समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।